परिचय का कि 2014 के अंदर जो चुनाव था वो एक अलग परिस्थिति में लगाया था। 2009 से 2014 तक बहुत सारे काम हुए, बड़े बड़े यहाँ अलवर के अंदर काम हुए, ESI मेडिकल कॉलेज, हाई स्पीड ट्रेन, चंबल का पानी, 12-12 पैरामिलिट्री के भर्ती दफ्तर और ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, मिनी सेक्रेटेरिएट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी योजना थी। लेकिन क्या हुआ कि हमारे देश की भोली भाली जनता मोदी जी के जो भाषण और जुमले से एक तरह से उस भाषण से बह गई थी और कुछ नहीं देख रही थी। सब लोगों को लग रहा था 15 लाख रुपए हमारे बैंक में आएंगे, यहाँ तक कि महिलाओं ने सोच लिया था कि उनकी गाय और भैंस भी 2-2 किलो, उनका दूध भी बढ़ जाएगा। इस तरह का भी एक माहौल बन गया था, एक इस तरह की एक परिस्थिति पैदा हुई थी। लेकिन 5 साल में जनता ने देख लिया है कि अगर काम हुआ है तो हमारे ही समय हुआ है। 5 साल उसके बाद जो माननीय चांदनाथ जी सांसद बने और सांसद बनने के बाद वो एक बार भी अलवर नहीं आए और वो पार्लियामेंट में दिख जाते थे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में दिखते थे, लेकिन अलवर में दर्शन नहीं किया। तो मैं इसलिए जनता बहुत नाराज है, जनता अपना को ठगा महसूस कर रही है और एक बार फिर उनकी चेले उनके ही मठ से आए हुए पालकनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बहुत बड़ी लोगों के अंदर नाराजगी है कि हमारे लोकल कैंडिडेट क्यों ना हो, अलवर के लोग सक्षम नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। जिस तरह से बात करें सर, देखा जाए कि अलवर जिला एक बहुत सुर्खियों में रहा है, चाहे गाय का मस्को लेके या और कई चीज ऐसी चीजें, तो उसको किस तरह डिफेंड कर पाएंगे आप, किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अलवर जिले को एक तरह से प्रयोगशाला बना रखा है और जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे हमारा तिजारा का क्षेत्र हो, मेवात का क्षेत्र है, वहाँ कोशिश करते हैं कि इस तरह का एक तनाव, इस तरह का एक लोगों को बांटने का उनका कार्यक्रम चलता रहता है और इसलिए एक विवाद पैदा करना चाहते हैं और इसको एक राजनीतिक रंग बदलना चाहते हैं पूरे जिले के। मेयो कम्युनिटी की बात करें, 4 लाख समथिंग वोटिंग है, इसमें मेयो कम्युनिटी भी बसपा होता रहा, उससे आपको कितना फर्क है? माना जा रहा है कि कम्युनिटी जितनी भी है वो कांग्रेस की वोटर होती है, इस बार कैसा आप कर पाएंगे? देखिए, ये तो मैं तो चुनाव लड़ता हूँ सभी 36 बिरादरी के साथ, सभी कम्युनिटी के साथ, लेकिन जहाँ तक कि मेयो कम्युनिटी की बात है कि ये जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं की साठ घाट से इस तरह का ये टिकट दिया गया है जैसे कांग्रेस को डैमेज करे। तो सभी जो समाज हैं, सभी कम्युनिटी, खासतौर से मेव कम्युनिटी है, SC कम्युनिटी, वो इसको भली भांति समझती और जानती है।